स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है ना, ये उर्दू फॉर बिगनर्स यानी कि UFB का पार्ट 31 है। बात आती है कि क्या ये लास्ट पार्ट है? क्या उर्दू फॉर बिगनर्स का सफ़र यहीं तक था? क्या उर्दू फॉर बिगनर्स का दी एंड हो गया? क्या आप लोग कम्प्लीट उर्दू सीख चुके हैं या फिर उर्दू फॉर बिगनर्स का ये सीरीज़ और आगे तक जाएगा? ये सभी सवाल आप लोग के माइंड में घूम रहे होंगे और कहीं ना कहीं आप लोग इस सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेती हूँ और आप लोगों के इन सभी सवालों का जवाब दे देती हूँ। देखिए, आप लोग जानते हैं कि अब आप लोग बिगनर्स नहीं रहे। बिगनर्स कहते हैं जो कुछ भी नहीं जानता हो, स्टार्टिंग किया, एकदम शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट किया हो, उसको कहते हैं बिगनर्स। तो अब आप लोग बिगनर्स नहीं हैं। ढेर सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ और अब आप लोग शब्दों को लिख भी पा रहे हैं और पढ़ भी पा रहे हैं। तो अब आप लोग बिगनर्स नहीं हैं, अब आप लोग बिगनर्स से सीनियर्स कैटेगरी में आ चुके हैं, अब आप लोग सीनियर्स बन चुके हैं। तो आज जो पार्ट 31 है, VFB का पार्ट 31, इसमें तो हम लोग अंग और अमात्रा वाले शब्दों को सीख जाएंगे कि कैसे उर्दू के शब्दों को जो कि अंग और अमात्रा वाला है पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। मतलब 30% जो 20% बचा हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या ये पार्ट 31 तक ही था सफ़र UFB का? क्या ये लास्ट पार्ट है? क्या उर्दू फॉर बिगनर्स का सफ़र ख़त्म, दी एंड हो गया? तो इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उर्दू फॉर बिगनर्स का सफ़र यहीं तक ख़त्म नहीं होता है, उर्दू फॉर बिगनर्स और आगे तक जाएगा। तो बात आती है, सवाल आता है कि फिर हम लोग आगे क्या सीखेंगे? आज के इस वीडियो में तो हम लोग अंग और अमात्रा से बने 2, 3, 4, 5 अक्षर वाले शब्दों को सीख जाएंगे उर्दू में पढ़ना और लिखना। तो फिर हम लोग आगे के पाठ में क्या सीखेंगे? तो सुनिए, आगे के पाठ में हम लोग सीखेंगे दो शब्द या फिर दो से ज़्यादा शब्दों से बने वाक्य को, वाक्य को कहते हैं उर्दू में जुमला। ये सब मैं आप लोग को बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में ही। अभी ढेर सारी चीज़ों को सीखना है, इसीलिए उर्दू फॉर बिगनर्स का सफ़र यहीं तक कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है? तो आगे के पार्ट में हम लोग सीखेंगे दो शब्दों या फिर दो से ज़्यादा शब्दों से बने वाक्य को, फिर वाक्य से बने एक पैराग्राफ को, फिर पैराग्राफ से बने एक शॉर्ट कहानी को, उसको पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे और फिर कहानी से एक लंबी कहानी। तो इस तरह उर्दू फॉर बिगनर्स का सीरीज़ चलेगा भी। अब ये मैं नहीं बता सकती कि कितना पार्ट हो सकता है, कितना लंबा ये सफ़र होगा, ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि लर्निंग जीवन पर्यंत तक चलती है, हम लोग ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं। लेकिन 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 सुनिए मेरी बात को एकदम ध्यान से, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और धमाकेदार अनाउंसमेंट मैं अभी करने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाने वाला है। सुनना चाहेंगे वो अनाउंसमेंट है क्या? तो सुनिए, वो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं बहुत जल्द उर्दू फॉर बिगनर्स में ही लाइव आने वाली हूँ। जी हाँ, दो शब्दों या फिर दो से ज़्यादा शब्दों से बने वाक्यों को सीखने से पहले एक बार, यानी कि इसके अगले पार्ट में, पार्ट 32 में ही मैं लाइव आ रही हूँ। जी हाँ, पार्ट 32 में। अब कब लाइव होगा, डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, ये मैं आप लोगों को बता दूंगी कम्युनिटी में पोस्ट करके या फिर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करके बता दूंगी। लेकिन ध्यान रहे, वो जो लाइव क्लास होगा, यानी कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 31 है, पार्ट 32 में जो लाइव होगा, मैं लाइव आऊँगी, वो जो लाइव होगा वो उर्दू फॉर बिगनर्स का महामैराथन होगा। मतलब उसमें आप लोगों के लिए जुड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी लोग इनवाइट हैं, मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करती हूँ, चाहे आप किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो, आप मुझसे पढ़ रहे थे पहले या फिर अभी पढ़ रहे हो, या फिर आप विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट, किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो, या फिर नहीं भी हो, आप विद्यार्थी नहीं हो, आप घर बार चलाते हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, एक मेल हो, फीमेल हो, आप किसी भी, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग, किसी भी क्षेत्र के आप लोग क्यों ना हो, ज़रूर उस लाइव क्लास में जुड़िएगा जो कि इसके नेक्स्ट पार्ट में लाइव होने वाला है। उस लाइव क्लास में जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो शब्द चाहें, जो आप मुझसे लिखवाना चाहते हैं, अब वो शब्द आपका नाम भी हो सकता है, जो भी शब्द, उस लाइव क्लास में जुड़कर लाइव आप मुझसे उर्दू में वो नाम लिखवा सकते हैं। अब वो शब्द आपका नाम भी हो सकता है या फिर कोई भी शब्द, मैं लाइव वो नाम उर्दू में लिख कर बताऊँगी। तो वो लाइव क्लास में जुड़िएगा ज़रूर, बच्चे को बता दीजिए, पूरे वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके, जो नहीं जानता है कि उर्दू फॉर बिगनर्स है क्या चीज़, उसको भी बताइए, पकड़ के बताइए कि उर्दू फॉर बिगनर्स एक ऐसा महासंग्राम है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट उर्दू सीख सकते हो। सभी लोगों तक ये बात पहुंचा दे, ये बात फैला दे, जितना ज़्यादा हो सके उन्हें शेयर कर दें कि बहुत जल्द मैं लाइव आने वाली हूँ। लाइव क्लास कब होगा इसका डेट मैं आप लोगों को बता दूंगी, जिस दिन लाइव होगा ना उसके 2 नहीं तो 3 दिन पहले ही इसी चैनल के कम्युनिटी में पोस्ट करके बता दिया जाएगा। तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट देखते रहिएगा या फिर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करके मैं आप लोग को बता सकती हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हम लोग लाइव में कैसे जुड़े, बहुत ज़्यादा आसान है जुड़ना।
अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पहले से रखे हुए हैं ना, तो नोटिफिकेशन जब भी लाइव होगा नोटिफिकेशन आप तक अपने आप ही पहुंच जाएगा। बस आप लोग को नोटिफिकेशन पर एक क्लिक करना है, आसानी से आप लोग लाइव में जुड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि आप मेरे वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब बस एक ही बार किया जाता है, एक ही बार सब्सक्राइब होता है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके पहले से ही रख लीजिए, ताकि जब भी लाइव हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप लोग लाइव में जुड़ सकें। ठीक है, शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें इस वाले वीडियो को, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। ठीक है, तो आई होप आप लोग खुश हो गए होंगे। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट 31 है, तो फटाफट सीख लेते हैं अंग और अ मात्रा वाले शब्दों को कैसे उर्दू में लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। बात आती है कि अंग, ये जो अंग है इसको कैसे लिखेंगे उर्दू में। अलिफ से अ होता है, आप लोग जानते हैं अलिफ से अ होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर इसमें नून जोड़ दीजिए, तो अलिफ के ऊपर ज़बर और नून जुड़कर ये हो जाता है अंग। बस और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखकर आप लोगों को लग रहा था ज़्यादा टफ होगा, समझ में नहीं आएगा, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलिफ से अ होता है, अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर नून जोड़ दीजिए, ये पढ़ा जाएगा अंग। और इसी तरह अगर किसी भी अक्षर को अंग की मात्रा में बदलना है तो उस अक्षर के ऊपर भी ज़बर लगाकर नून जोड़ देना है, तो वो अक्षर अंग की मात्रा में बदल जाएगा। बस इसी फॉर्मूले का यूज़ कीजिए और अंग मात्रा से बने 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्दों को आप आसानी से उर्दू में लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मतलब इतने सारे शब्द हैं, तो एक सबसे पहले पहला जो शब्द है इसको बनाकर उर्दू में लिख कर देखते हैं। सबसे पहला शब्द है अंत, इसको कैसे लिखेंगे उर्दू में। तो देखिए अंत में सबसे पहला अक्षर है अंग, तो अभी मैं बताई ना अंग कैसे लिखा जाता है, अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर नून जोड़ दो तो वो अंग पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला अक्षर है अंग, तो अलिफ से अ होता है, अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर इसमें नून जोड़ दीजिए, तो ये हो गया, हो जाएगा अंग। और उसके बाद में लास्ट वाला अक्षर क्या है, त, त को उर्दू में कहते हैं ते, बस ते लिख दीजिए। अब इन सब को जोड़ दीजिए, अंत आप लोग आसानी से लिख पाएंगे। देखने में टफ लग रहा होगा कि हाँ ये अंत किस तरह लिखाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। जोड़िए अब इन सबको, देखिए अलिफ जिस तरह लिखा हुआ है अलिफ लिख दीजिए, अलिफ के ऊपर तो ज़बर है, बस हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे। नून का आधा भाग उठा लीजिए और इस नून के आधे भाग में ते का पूरा भाग ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, क्योंकि ये लास्ट वाला अक्षर है ना ते, तो पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। तो देखिए अलिफ के ऊपर ज़बर और नून जुड़कर ये हो गया अंग और त, अंत। देख रहे हैं अंग और त, अंत। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे, बस यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है आसानी से। आप लोग दो अक्षर वाला हो, तीन अक्षर वाला हो, चार अक्षर वाला हो, आसानी से आप लोग उर्दू में लिख भी पाएंगे और कहीं पर भी अंग मात्रा वाला शब्द लिखा हुआ है पढ़ भी सकते हैं। तो ये हो गया अंत। आगे बढ़िए, अगला शब्द है जंग। जंग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे जंग, तो देखिए सबसे पहला अक्षर है जंग। ठीक है, जंग है तो सोचिए ज को उर्दू में क्या कहते हैं, ज को उर्दू में कहते हैं जीम, जीम से तो ज हो गया, लेकिन यहाँ पर ज के ऊपर बिंदु है ना, नून है, यानी कि जंग है। तो ज जिम से ज हो गया, लेकिन इसको जंग अंग की मात्रा में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर ज़बर लगाकर नून जोड़ देते हैं। तो इस जिम के ऊपर भी ज़बर लगाकर और नून जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा जंग। और लास्ट में क्या है, ग, ग को उर्दू में गाफ कहते हैं। बस अब इन सबको जोड़ दीजिए, जिम का आधा भाग उठाइए, उठा लिए, जिम के ऊपर तो ज़बर है, बस नून ले जाकर इसी जिम के आधे भाग में जोड़ दीजिए, तो ये हो गया जंग। और ग जो है ना, ग पूरा का पूरा ले जाकर लास्ट में जोड़ दीजिए, तो गाफ से ग, तो ये हो गया जंग, जंग। ठीक है, कितना आसान है लिखना जंग। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो कमेंट में लिखकर बताएं कि हाँ समझ में आया, जो भी मैं आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ वो चीज़ें समझ में आ रही है। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो भी लिखकर हमें कमेंट में बताइए। कमेंट किस लिए बनाया गया है, अपने अंदर के दाखिली जज्बात को जाहिर करने के लिए लिखकर, तो ज़रूर बताएं लिखकर कि चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए, चंद। चंद में सबसे पहला अक्षर है चंग, तो सबसे पहले सोचिए कि चौक उर्दू में क्या कहते हैं, चौक उर्दू में कहते हैं चे, चे से तो च हो गया, और इसको अंग की मात्रा में बदलने के लिए यानी कि चंग बनाने के लिए इस चे के ऊपर ज़बर लगा देंगे और इसमें नून जोड़ देंगे, बिल्कुल यही वाले फार्मूले की तरह। अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ। ठीक है, तो चे के ऊपर ज़बर लगाकर और नून जोड़ दिए तो ये हो जाएगा चंग। और द, द उर्दू में क्या कहते हैं, द उर्दू में दाल कहते हैं, लिख दीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए, चे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और चे के ऊपर तो ज़बर है, बस नून का आधा भाग ले जाकर इसी चे में जोड़ दीजिए, तो ये हो गया चंग। और दाल से द, तो चंद। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है अंग। अंग में सबसे पहला अक्षर है अंग, जिस तरह यहाँ पर था अंत, अब यहाँ पर अंग आ गया है, जिस तरह अंत लिखें उसी तरह अंग लिखना है, बस लास्ट में क्या है, ग लगा देना है। तो देखिए अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर इसमें नून जोड़ दीजिए, अंग हो जाएगा। और ग, ग को उर्दू में कहते हैं गाफ, लिख दीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए, अलिफ जिस तरह लिखा है लिख दीजिए, अलिफ के ऊपर तो ज़बर है, बस नून का आधा भाग ले जाकर अलिफ में चिपका देना है, और गाफ का पूरा भाग लास्ट है तो ले जाकर चिपका दीजिए इसी में। तो ये हो गया अलिफ के ऊपर ज़बर नून जोड़कर अंग और गाफ से गा, तो ये हो गया अंग, अंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अंडा। अंडा को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अंग को उर्दू में लिखिए,
आप उर्दू में कहते हैं अलिफ, अलिफ के ऊपर दबा लगाकर जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा अंग, और डा, डा उर्दू में कहते हैं डाल, डाल से तो डा हो गया, डा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए, अलिफ जिस तरह लिखा है लिख दिया, अलिफ के ऊपर तो जबर है, नून का आधा भाग ले जाकर अलिफ में चिपका दीजिए, ये हो जाएगा अन, और डाल डाल जिस तरह लिखा है ना उसी तरह ले जाकर इसी नून के आधे भाग में चिपका दीजिए, तो ये हो गया डाल में अलिफ जोड़ दीजिए डा हो जाएगा, तो ये हो गया अन और डा, अंडा। कितना आसान है अंडा लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंजा, तो सबसे पहला अक्षर है गन, तो गौ उर्दू में सोचिए क्या कहते हैं, गौ उर्दू में कहते हैं गाफ, गाफ से तो गा हो गया, लेकिन इसको गन बनाना है ना, अंग की मात्रा में बदलना है, तो गन बनाने के लिए गाफ के ऊपर जबर लगाकर इसमें नून जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा गन, और जा, जा उर्दू में कहते हैं जीम, जीम से तो जा हो गया, जा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए, गाफ जिस तरह लिखा है इसका आधा भाग उठा लेना है ऐसे, ठीक है उठा लिए, गाफ के ऊपर तो जबर है, ये देख रहे हैं गाफ के ऊपर जबर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, और नून का आधा भाग ले जाकर इसी गाफ में जोड़ दीजिए ऐसे, ये नून का आधा भाग यहाँ पर लाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो गाफ के ऊपर जबर और ये नून जुड़कर ये हो गया गन, और जीम का आधा भाग जो है ना इसी नून के आधे भाग में इस तरह जोड़ दीजिए, इसी नून के आधे भाग में इस तरह जीम जोड़ दीजिए, और जीम में अलिफ जोड़ दीजिए तो जा हो जाएगा, तो ये हो गया गन और ये हो गया जा, गंजा। कितना आसान है लिखना। देखिए अगर आप लोग को धुंधला दिखाई दे रहा है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है, यहाँ पर यूट्यूब का फीचर्स कमाल का है, वो क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी देता है और जूम करने के लिए भी देता है, आप लोग जूम भी कर सकते हैं, क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं अगर धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो, ठीक है, अगर धुंधला दिखाई दे रहा है तो क्वालिटी बढ़ा ले 480 पिक्सल या फिर 1080 पिक्सल में करके देखेंगे, एकदम साफ और क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चंपा, चंपा लिखना है उर्दू में तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर चंपा है, ऊपर बिंदु वाला ना है लेकिन इसको माँ प्रोनाउंस किया जा रहा है, यानी कि चंपा यानी कि माँ आ रहा है, तो हम लोग अगर चंपा को इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे ना, चंपा म आएगा, यहाँ पर भले ही ऊपर बिंदु वाला ना है लेकिन यहाँ पर क्या इंग्लिश में जब लिख रहे हैं तो चंपा, और पढ़ भी रहे हैं तो म प्रोनाउंस हो रहा है, उसी तरह उर्दू में भी होगा। चा को उर्दू में तो चे कहते हैं लिख दिए, और चम म आ रहा है ना, तो यहाँ पर उर्दू में भी इसका म यूज़ करेंगे, म उर्दू में कहते हैं मीम, उसके बाद है पा, पा उर्दू में कहते हैं पे, और पे में अलिफ जोड़ दीजिए पा हो जाएगा, भले ही ऊपर बिंदु वाला ना है लेकिन प्रोनाउंस हो रहा है चंपा, म प्रोनाउंस हो रहा है, इसीलिए म का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए चे का आधा भाग उठा लीजिए यहाँ पर ऐसे, और चे के आधे भाग में मीम का आधा भाग ये बिंदु वाला भाग जोड़ दीजिए ऐसे, ये हो गया चम, और पे का आधा भाग इसी में जोड़ दीजिए, और पे में अलिफ जोड़ देंगे तो पा हो जाएगा, तो पे में अलिफ जोड़कर पा, तो चंपा, चंपा। आगे बढ़ते हैं। संजू, संजू लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये चंपा, संजू, मंजू वगैरह नाम होता है, जिसका भी नाम हो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, संजू लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सा उर्दू में कहते हैं सीन, सीन से तो सा हो गया, लेकिन इसको सन बनाने के लिए, अंग की मात्रा में बदलने के लिए क्या करेंगे, सीन के ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ देंगे तो सन हो जाएगा, और जू है, जो उर्दू में कहते हैं जीम, जू बनाने के लिए सोचिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो जू में देखिए बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदलने के लिए हम उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ देते हैं, तो अक्षर बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदल जाता है, तो जिम के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए जू हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए सबको, सीन का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, ठीक है, सीन के ऊपर तो जबर है, बस नून का आधा भाग इसी में जोड़ दीजिए ऐसे, ये नून का आधा भाग सीन के आधा भाग में ले जाकर जोड़, तो ये हो गया सन, और जिम का भी आधा भाग उठाना है ऐसे, इस तरह ले जाकर नून के आधे भाग में जोड़ देना है, जिम के ऊपर तो पेश है, बस वाव ले जाकर इसी जिम में जोड़ दीजिए, तो जिम के ऊपर पेश और वाव जोड़कर जू, तो सन जू, सन जू, संजू। कितना आसान है, जिस तरह संजू लिखे उसी तरह मंजू लिखना है, बस यहाँ पर म आ गया है, म को उर्दू में कहते हैं मीम, मीम से म हो गया, और मन, अंग की मात्रा में बदलने के लिए मीम के ऊपर दबड़ लगाकर नून जोड़ दीजिए, और जू है, जौ उर्दू में कहते हैं जीम, और जू बनाने के लिए बड़ा वाला ऊ की मात्रा है ना जू में, तो ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, तो अब सबको जोड़ देना है, मीम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और मीम के आधे भाग में, मीम के ऊपर तो जबर है, बस नून का आधा भाग ले जाकर जोड़ दीजिए मीम के आधे भाग में, तो ये हो जाएगा मन, और जिस तरह यहाँ पर जिम का आधा भाग ले जाकर जोड़े थे नून के आधे भाग में, बिल्कुल उसी तरह जिम का आधा भाग ले जाकर यहीं पर भी नून के आधे भाग में जोड़ देंगे, तो ये हो गया जिम, और जिम के ऊपर तो पेश है, बस वाह ले जाकर इसी जिम में जोड़ दीजिए, तो जू, जिम के ऊपर पेश और वाह जुड़कर जू, तो मन जू, मन जू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांप, सांप लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए सांप लिखना है तो सबसे पहला अक्षर है सा, सा उर्दू में कहते हैं, पहले सा उर्दू में कहते हैं सीन, सीन से तो सा हो गया, सा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए, और देखिए ऊपर चांद वाला ना है, इस तरह नॉर्मल ना हो या फिर चांद वाला ना हो, इसको उर्दू में नून ही कहते हैं। ठीक है, तो नून लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा सा, सा, और उसके बाद से पौ, पौ उर्दू में कहते हैं पे, हो गया, जोड़ दीजिए सबको, सीन का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, सीन में अलिफ जोड़ दीजिए सा हो जाएगा, और जो ऊपर चांद वाला नून हो रहा था ना बोल सकते हैं, इसके लिए जो नून यूज़ कर रहे थे इसका आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, और पे को ले जाकर इसी में चिपका दीजिए, तो ये हो जाएगा सा और पा, सांप।
कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं, गंगा, गंगा लिखना है, गंगा नदी, इसमें भी तो अंक की मात्रा आ रही है ना, तो गंगा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए गौ उर्दू में कहते हैं गाफ, गाफ से तो गौ हो गया, लेकिन इसको गंग अंक की मात्रा में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस गाफ के ऊपर दबर लगाकर और इसमें नून जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा गन, यानी कि ऊपर बिंदु वाला नौ में ये चेंज हो जाएगा, अंक की मात्रा में चेंज हो जाएगा। उसके बाद से है गा, गौ उर्दू में कहते हैं गाफ, और गाफ से तो गा हो गया, गा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। अब इन सबको जोड़ देना है आप लोगों को, गंगा आसानी से लिख देंगे। जोड़ने के लिए गाफ का सबसे पहले आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए गाफ का आधा भाग, और गाफ के ऊपर तो जबर है, बस नून ले जाकर इसी गाफ के आधे भाग में ऐसे जोड़ दीजिए, तो गाफ के ऊपर जबर और नून जुड़कर ये हो जाएगा गन, और गाफ का फिर से आधा भाग आप लोग को उठाना है। अब ये जो गाफ का आधा भाग उठाएंगे ना, तो ये जो सीधा वाला भाग था ये भी अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो सीधा वाला भाग था अब यहाँ पर ऐसे कर्व हो जाएगा, ये जो सीधा वाला डंडा वाला भाग था अब यहाँ पर ऐसे कर्व हो जाएगा, और इसी में अलिफ जो है ना जाकर ऐसे चिपक जाएगा, तो गाफ में अलिफ जुड़कर गा हो जाएगा। तो देखिए गंग और गा, गंगा, कितना आसानी से गंगा लिख दिए। ठीक है, नदी तो आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि ई मात्रा वाला आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो गंगा नदी लिख सकते हैं। नदी कैसे लिखा जाएगा, न और दी, नदी, सिंपल। तो यहाँ पर सिर्फ ऑलरेडी गंगा लिखा हुआ है तो गंगा ही लिखे रहने देते हैं। आगे बढ़िए, अगला शब्द है तंत्र। तंत्र कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर है तन, तो तौक उर्दू में कहते हैं ते, और इसको अन यानी कि तन की मात्रा में बदलने के लिए ते के ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ देंगे तो तन हो जाएगा, और फिर त्र है, त्र उर्दू में मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ते और रे जोड़ दिया जाता है, ते और रे को जोड़कर त्र बनता है। ठीक है, अगर इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इस तरह होता है त्र। ठीक है, ते और रे जुड़कर त्र। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दीजिए, तंत्र आसानी से लिख सकते हैं। ते का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और ते के ऊपर तो जबर है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे, और नून का आधा भाग ले जाकर इसी ते के आधे भाग में जोड़ दीजिए, तो ते के ऊपर जबर और नून जुड़कर ये हो जाएगा तन, और फिर त्र, ये जो त्र है ना यही पर ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा तन और ये हो गया त्र, तो तन त्र, तंत्र 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 तंत्र, त्र है, ते और रे जुड़कर त्र हो जाता है, तो तंत्र तंत्र, कितना आसान है लिखना तंत्र। जिस तरह तंत्र लिखे उसी तरह मंत्र लिखेंगे, कैसे, मा उर्दू में कहते हैं नीम, नीम से तो माँ हो गया, इसके ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दिए तो ये हो गया मन, और त्र है त्र, ऐसे लिखा जाता है, तो हो गया ते और रे जोड़कर त्र। तो अब इन सबको जोड़िए, मीम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, मीम के ऊपर तो जबर है, बस नून ले जाकर मीम के आधे भाग में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा मन, और ये जो त्र है बस जोड़ दीजिए यहाँ पर त्र, तो मंत्र मंत्र, कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं मंच। मंच उर्दू में लिखना है, हाउ विल यू राइट, कैसे आप लोग लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहला अक्षर है मन, तो माँ उर्दू में कहते हैं मीम, ऊपर जबर लगाकर और नून जोड़ दीजिए तो मन यानी कि अन की मात्रा में बदल जाएगा, और चौ है, चौ उर्दू में कहते हैं चे, कितना आसान है, जोड़ दीजिए सबको, मीम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और मीम के ऊपर तो जबर है, यहाँ पर बस नून ले जाकर जोड़ दीजिए, तो मीम के ऊपर जबर और नून जुड़कर मन हो जाएगा, और ये जो चे है पूरा का पूरा चे ले जाकर इसी में ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये हो गया मन और चौ, मंच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दंग। दंग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर है दन, तो द उर्दू में कहते हैं दाल, ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दीजिए तो दन यानी कि अंक की मात्रा में बदल जाएगा, और ग है, ग उर्दू में कहते हैं गाफ, अब इन सबको जोड़ देना है, जिस तरह दाल लिखा है उसी तरह रहने दीजिए, और दाल के ऊपर तो जबर है, नून का आधा भाग ले जाकर इसमें जोड़ दीजिए, चिपका दीजिए, तो ये हो जाएगा दन, और गाफ जो है ना जिस तरह लिखा हुआ है यहाँ पर उसी तरह ले जाकर इसी नून के आधे भाग में चिपका देना है, तो गाफ से ग, तो दंग दंग, कितना आसान है दंग। आगे बढ़ते हैं, दंग हो गया, अब ढंग लिखना है तो कैसे लिखें, सबसे पहला अक्षर है ढ, ढ को उर्दू में क्या कहते हैं, डाल से ड होता है, देखिए इंग्लिश में होता है डी से ड और डी एच से ड, उसी तरह उर्दू में होता है डाल से ड और इसी डाल में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है ढ, ढ हो गया, इसके ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दीजिए तो ढंड हो जाएगा, और ग, ग उर्दू में कहते हैं गाफ, बस चिपका दीजिए ले जाकर, अब इन सबको जोड़ देना है, ढ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिखे रहने दीजिए, ढ के ऊपर तो जबर है, नून का आधा भाग इसी ढ के, ये ढ का जो है ना, इसका जो इधर से पूंछ निकला था बोल सकते हैं, इसी में ले जाकर जोड़ देना है नून का आधा भाग, तो ऊपर ढ के ऊपर जबर और नून जुड़कर ये हो जाएगा ढन, और ग है ना, ये जो ग पूरा का पूरा ले जाकर चिपका देना है, तो ये हो गया ग, तो ढंग ढंग, तो दंग और ढंग, कितना आसानी से लिख लिए, कितने, पहला सेक्शन तो कंप्लीट हो गया, और इतना से आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि फार्मूला का कैसे यूज़ करना है और कैसे उर्दू में लिखना है, और इस तरह का कहीं पर भी शब्द दिखाई दे, अंत, जंग, चंद, अंग, अंडा, गंजा, चंपा, संजू, मंजू, सांप, गंगा, तंत्र, मंत्र, मंच, दंग, ढंग, तो इस तरह कहीं पर भी शब्द दिखाई दे आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। अब चलिए, अब इसको मैं फास्ट करूँगी क्योंकि यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे उर्दू में लिखना है, अब आप लोग माइंड में सोचते चलिए कि ठंडा, जैसे कि पहला शब्द क्या है ठंडा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, आप लोग माइंड में सोचिए कि हाँ इस तरह लिखा जाना चाहिए, और मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो मिलाते चलिए कि आप लोग सही सोचते कि नहीं। ठंडा है सबसे पहला अक्षर, सबसे पहला शब्द है ठंडा, ठंडा में सबसे पहला अक्षर है ठंड, ठ उर्दू में कहते हैं क्या, जिस तरह टी से ट और टी एच से ठ, उसी तरह उर्दू में होता है
टे से ट, और इसी टे के आधे भाग में, इसी टे के आधे भाग में हम लोग एच यानी कि ये वाला हे जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है ठ। तो ठ तो हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है ठन। तो अन की मात्रा में बदलने के लिए, अंग की मात्रा में बदलने के लिए इसी ठ के ऊपर दबड़ लगाकर नून जोड़ देंगे तो ठन हो जाएगा। और डा है, डॉ उर्दू में कहते हैं डाल, डाल से ड हो गया। डा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। अब इन सबको जोड़ देना है ठंडा, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठ जिस तरह लिखा है उसी तरह रहने दीजिए, ठीक है। ये हो गया ठ के ऊपर तो जबर है, बस नून ले जाकर इसी ठ के पूरे भाग में ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ठ के ऊपर जबर और नून जोड़कर ये हो जाएगा ठन। और डाल का जिस तरह यहाँ पर लिखा है ना, बिल्कुल हु बहू इसी नून के आधे भाग में ले जाकर चिपका देना है आप लोगों को। और इसी डाल में अलिफ तो डा बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, तो डाल में अलिफ जोड़कर डा। तो ये हो गया ठन और ये हो गया डा, ठंडा। कितना आसानी से हम लोग ठंडा लिख दिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला शब्द है हंसी। हंसी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हंसी तो फंसी, ठीक है। तो हंसी में आप लोगों को लिखना बता दे रही हूँ, फंसी कैसे लिखा जाएगा आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। हंसी में सबसे पहला अक्षर है ह, ह को कहते हैं उर्दू में हे, हे से तो ह हो गया, लेकिन हाँ है हाँ ऊपर बिंदु वाला ना, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हाँ। और सी, सौ को उर्दू में कहते हैं सीन, और सीन से तो सौ हो गया सी है, और सी में बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ देते हैं, तो अक्षर बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाता है। सीन के नीचे भी जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दिए, ये बड़ी वाली सी हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए इन सबको। हे आप लोग जानते हैं किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसा शक्ल बना लेती है, तो ये हो गया हे। हे के ऊपर तो जबर है, बस नून ले जाकर चिपका दीजिए इसी हे में, तो हे के ऊपर जबर और नून जुड़कर ये हो जाएगा हाँ हाँ, ठीक है। और सीन जिस तरह यहाँ पर है उसका आधा भाग उठा लेना है, सीन के नीचे तो जेर है, बस ये जो छोटी ये है इसे सीन में ले जाकर चिपका देना है, जोड़ देना है, तो सीन के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर सी, तो हाँ सी, हंसी हंसी। कितना आसान है हंसी लिखना। आगे बढ़ते हैं मंद। मंद को कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर है माँ, माँ उर्दू में कहते हैं मीम, मीम से माँ हो गया, मन बनाने के लिए ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दिए तो मन हो गया, और द है, द उर्दू में कहते हैं दाल, आसान है लिखना, जोड़ दीजिए। मीम का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, मीम के ऊपर तो जबर है, बस नून ले जाकर जोड़ दीजिए, तो ये हो गया मन, और दाल से द मंद। आगे बढ़ते हैं टंग की। टक उर्दू में कहते हैं टे, और ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दिए तो टन हो जाएगा। और की, कॉक उर्दू में कहते हैं काफ, और की में देखिए बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दीजिए। अब इन सबको जोड़ देना है, टे का आधा भाग उठा लेना है, टे के ऊपर जबर है, बस नून ले जाकर इसी टे के आधे भाग में जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा टन। और काफ का आधा भाग ऐसे उठाकर, और काफ के नीचे तो जेर है, बस छोटी ये ले जाकर जोड़ देना है इसी काफ के आधे भाग में, तो काफ के नीचे जेर और छोटी जोड़कर की, तो टंग की, टंग की। आगे बढ़ते हैं बंद। बॉक उर्दू में कहते हैं बे, ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दिए तो ये हो जाएगा बन, और दाल से द, जोड़ दीजिए सबको। बे का आधा भाग उठाना है, और नून बे के ऊपर तो जबर है, बस नून ले जाकर इसी बे के आधे भाग में जोड़ देना है, तो बे के ऊपर जबर और नून जोड़कर ये हो जाएगा बन, और दाल ले जाकर चिपका दीजिए, तो बंद। कितना आसान है लिखना बंद। झंडा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, झक उर्दू में कहते हैं जिस तरह जिम, जे से ज और जे एच से झ, उसी तरह उर्दू में होता है जिम से ज, और इसी जिम के आधे भाग में क्या करते हैं हम लोग एच यानी कि हे जोड़ देते हैं, तो ये पढ़ा जाता है झ, ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा झन। और डा है, डॉ उर्दू में कहते हैं डाल, और डा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। झ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, झ के ऊपर तो जबर है, नून का आधा भाग ले जाकर इसमें जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा झन। और डाल का पूरा भाग चिपकाइए और अलिफ इसमें चिपका दीजिए, तो डाल में अलिफ जोड़कर डा, तो झंडा, झंडा। आगे बढ़ते हैं कंघी। कॉक उर्दू में कहते हैं काफ, ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दिए तो कन हो जाएगा, मीन्स अंग की मात्रा में बदल जाएगा। और घी है, घ उर्दू में कहते हैं गा, जिस तरह जी से गा, जी एच से गा, उसी तरह उर्दू में गाफ से ग होता है, और इसी गाफ में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं, तो ये हो गया घ। घी बनाने के लिए इसके नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर घी में बड़ी वाली ई की मात्रा है, ठीक है। काफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और काफ के ऊपर तो जबर है, नून में ले जाकर इसको चिपका देना है, मतलब नून ले जाकर इसी काफ के आधे भाग में चिपका देना है, तो काफ के ऊपर जबर और नून जोड़कर कन, और काफ। फिर ये जो घ है ना, जिस तरह घ लिखा हुआ है उसी तरह आप लोगों को लिख देना है, देखिए जिस तरह घ है, नून के आधे भाग में ले जाकर चिपका दी, और घ के नीचे तो जेर है, बस छोटी ले जाकर चिपका देना है इसी घ में, तो घ के नीचे जेर और छोटी जुड़कर घी, तो कंग घी, कंघी। कितना आसान है कंघी लिखना। आगे बढ़ते हैं अंगूर। अब यहाँ से तीन अक्षर वाला स्टार्ट हो गया, और ये भी लिखना एकदम आसान है। अंगूर लिखना है, सबसे पहला अक्षर है अंग, अ को उर्दू में कहते हैं अलिफ, ऊपर दबड़ लगाकर नून जोड़ दीजिए अन हो जाएगा। और गु, ग को उर्दू में कहते हैं गाफ, और यहाँ पर गु में बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो उस ग के ऊपर पेश लगाकर इसमें वाव जोड़ देंगे तो बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदल जाएगा। और रा है, रा उर्दू में कहते हैं रे। अब इन सबको जोड़ दीजिए। अलिफ जिस तरह लिखा है लिखे रहने दीजिए, अलिफ के ऊपर तो जबर है, नून का आधा भाग ले जाकर चिपका दीजिए, ये हो जाएगा अन। और गाफ का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, ठीक है, उठा लिया। और गाफ के ऊपर तो पेश है, बस वाव ले जाकर इसी गाफ में जोड़ दीजिए, तो गाफ के ऊपर पेश और वाव जोड़कर गु और रे से रा, रे वाला जो है ना ये रे चिपका दीजिए ले जाकर, तो अंगूर, अंगूर। कितना आसान है। मंजूर, इस तरह अंगूर लिखे उसी तरह मंजूर लिखना है,
मेथड वही रहेगा, ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ने वाला। तो म है मक, उर्दू में कहते हैं मीम, ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दीजिए तो मन हो जाएगा। और जू है ज़, उर्दू में कहते हैं जो, नीचे बिंदु वाला ज़ है ना, इसीलिए ज़ो से ज़ हो गया। लेकिन जू है यहाँ पर बड़ा वाला जू, तो इस ज़ के ऊपर मतलब इस ज़ो के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ देंगे तो जू हो जाएगा। और रह है रह, उर्दू में कहते हैं रे, जोड़ दीजिए। मीम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, मीम के ऊपर तो जबर है, नून का आधा भाग ले जाकर जोड़ दीजिए तो मन हो गया। और जो जिस तरह है उसी तरह यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। जो जिस तरह लिखा था उसी तरह लिख दी मैं। और दो के ऊपर तो पेश है, बस वाव ले जाकर इसी जो में जोड़ दीजिए तो जो के ऊपर पेश और वाव जोड़ कर दू और रे से रा, तो ये हो गया मंजूर। आगे बढ़ते हैं आनंद। आनंद में सबसे पहला अक्षर है आ, और उर्दू में कहते हैं अलिफ। और इसको आ बनाने के लिए क्या करेंगे, अलिफ से तो आ हो गया, आ की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग, मैं आप लोगों को बताई भी हूँ, अगर अ को आ बनाना है तो अलिफ के ऊपर ये मद लगा देंगे तो आ हो जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे अक्षर को आ की मात्रा में बदलना है, जैसे कि का, तो काफ से क हो जाता है, लेकिन इसके का बनाने के लिए इसके ऊपर मद नहीं लगाएंगे, इसमें अलिफ जोड़ेंगे तो का हो जाएगा। जैसे कि काफ में अलिफ जोड़िए तो का हो गया। सिर्फ अ को आ बनाने के लिए मद लगाते हैं, ठीक है। तो अलिफ से तो अ हो गया, इसको आ बनाने के लिए मद लगा दिए, आ हो गया। न है नंद, आनंद है ना, तो न उर्दू में कहते हैं नून। और इसको नन बनाने के लिए, अन की मात्रा में बदलने के लिए ऊपर दबड़ लगाकर नून जोड़ दीजिए तो ये नन हो जाएगा। और द, द उर्दू में कहते हैं दाल। अब जोड़ दीजिए, आनंद आसानी से लिख सकते हैं। अलिफ जिस तरह लिखा है, अलिफ के ऊपर मद है, आ हो गया। और नून का आधा भाग उठा लीजिए, नून के ऊपर जबर है, बस इसमें नून का आधा भाग फिर से ले जाकर जोड़ देना है, ये वाला नून का आधा भाग। तो ये हो गया नून के ऊपर जबर और नून जुड़कर नन और दाल से द, तो आनंद, आनंद कितना आसान है, आनंद। आगे बढ़ते हैं चंचल। चंचल में सबसे पहला अक्षर है च, च उर्दू में कहते हैं चे, चे से च हो गया। फिर चन है ना, तो चे से च हो गया, इसके ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दिए तो चन। और फिर च है, च उर्दू में कहते हैं चे। और फिर ला है, ला उर्दू में कहते हैं लाम, हो गया। देखिए थोड़ा मैं धीरे धीरे अगर बोल रही हूँ, आप लोग को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ, तो आप लोग क्या कीजिए, फास्ट कर लीजिए। YouTube ये भी फीचर्स दिया है फास्ट करने वाला, ठीक है। यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, आप लोग फास्ट भी कर सकते हैं, और अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ तो आप लोग स्लो भी कर सकते हैं। दोनों फीचर्स YouTube दिया है। आप लोग थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे ना, तो वीडियो की स्पीड बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन आता है, तो बढ़ा घटा सकते हैं इस तरह। तो देखिए चंचल लिखना है, तो अब सबको जोड़िए। चे का आधा भाग उठा लेना है, चे के ऊपर तो जबर है, नून का आधा भाग ले जाकर चिपका दीजिए। चे के ऊपर जबर और नून जुड़कर चन हो गया। फिर चे को, चे ये वाला चे का आधा भाग यहाँ पर लाकर ऐसे जोड़ देना है, तो च और फिर लाम का पूरा भाग इसी चे में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। तो चन चल, चन चल, आसानी से चन चल लिख दिए। आगे बढ़िए कंगन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहला अक्षर है कंग, तो क उर्दू में कहते हैं काफ। और कन यानी कि अंग की मात्रा में बदलने के लिए जबर लगाकर नून जोड़ दिए। और ग है, ग उर्दू में कहते हैं काफ। और न है, न उर्दू में कहते हैं नून। जोड़िए, काफ का आधा भाग उठाना है ऐसे, उठा लिए। काफ के आधे भाग में नून का आधा भाग जोड़ दीजिए, क्योंकि ऊपर तो जबर है, तो ऊपर जबर और नून जुड़कर ये हो जाएगा कन। और गाफ का फिर से आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, ठीक है। और इसी गाफ के आधे भाग में नून को पूरा का पूरा ले जाकर जोड़ देना है, तो ये हो गया कन और गन, कंगन, कंगन। चंदन, चंदन में सबसे पहला अक्षर है च, च उर्दू में कहते हैं चे। और चन यानी कि अन की मात्रा बदलने के लिए ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दिए, हो गया चन। और द, द उर्दू में कहते हैं दाल। और न उर्दू में नून। चे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, चे के ऊपर जबर है, बस नून ले जाकर जोड़ दीजिए। और दाल को भी जोड़ दीजिए और नून को ले जाकर चिपका दीजिए। देखिए ऊपर जबर और नून जुड़कर ये हो जाएगा चन और दन, चंदन। आगे बढ़िए पंजाब। थोड़ा अब मैं फास्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि बोलते बोलते थोड़ा मैं भी आप बोल सकते हैं थक चुकी हूँ। आप लोग को तो सिर्फ सुनना है, मुझको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। देखिए पंजाब, सबसे पहला अक्षर है प, प उर्दू में कहते हैं पे। ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दिए तो पन हो जाएगा। जा है, जा उर्दू में कहते हैं जीम। जा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। और ब है, ब उर्दू में कहते हैं बे। अब इन सबको जोड़ देना है। पे का आधा भाग उठाना है ऐसे, और पे के ऊपर तो जबर है, नून जोड़ दीजिए इसी में, तो पे के ऊपर जबर नून जोड़कर पन हो जाएगा। और जीम का आधा भाग इसी में ले जाकर चिपका देना है, और जीम में अलिफ जोड़ दीजिए तो जा हो जाएगा। पंजा हो गया, ब ले जाकर चिपका दीजिए। पंजाब कितना आसान है, पंजाब लिखना। उसी तरह है जंगल, जंगल है तो ज उर्दू में कहते हैं जीम। और जीम से ज हो गया, ऊपर दबर लगाकर नून जोड़ दिए तो जन हो जाएगा। और ग, ग उर्दू में कहते हैं गाफ। और ल है, ल उर्दू में कहते हैं लाम। अब इन सबको जोड़िए। जिम का आधा भाग उठाना है ऐसे, और जिम के ऊपर तो जबर है, बस नून ले जाकर जोड़ दीजिए तो नून और जबर जोड़कर ये हो जाएगा जंग। और गाफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, ये अच्छा से लिख दूँ। हाँ, गाफ का आधा भाग यहाँ पर उठाएंगे ऐसे, तो ये जो सीधा वाला भाग है ना, यहाँ पर कर्व हो जाएगा, हल्का गोल हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को बताई भी हूँ। और इसी में लाम ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। तो देखिए ऊपर जिम के ऊपर जबर और नून जुड़कर ये हो जाएगा जंग। और ग और ल, जंगल, जंगल। आगे बढ़ते हैं पसंद। प है, प उर्दू में कहते हैं पे। स है, स उर्दू में कहते हैं सीन। सीन से स हो गया, लेकिन सन बनाने के लिए ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दिए, सन हो जाएगा। और दाल से द, जोड़िए। पे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, पे से प हो गया। और सीन का आधा भाग
एक दो तीन, देखिए तीन नोक निकला है ना, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। एक दो तीन, तीन हो गया। सिन के ऊपर तो जबर है, बस नून ले जाकर जोड़ दीजिए इसी सिन में, तो सिन के ऊपर जबर और नून जोड़कर ही हो जाएगा सन और दाल से द, तो पसंद, पसंद। आगे बढ़ते हैं, बसंत, जिस तरह पसंद लिखे हैं बस बसंत लिख दीजिए उसी तरह। ब उर्दू में कहते हैं बे, त है सौ उर्दू में कहते हैं सीन, ऊपर दबर लगाकर नून जोड़ दिए सन हो जाएगा, और त है तो उर्दू में कहते हैं ते, जोड़ दीजिए। बे का आधा भाग उठा लीजिए और इसी में सीन का आधा भाग ऐसे जोड़ दीजिए, और सीन का आधे भाग में नून जोड़ दीजिए, सीन के ऊपर दबर और नून जोड़कर सन हो गया, और ते से त, बसंत। आगे बढ़ते हैं, बंदर, ब उर्दू में कहते हैं बे, बन बनाने के लिए ऊपर दबर लगाकर नून जोड़ दीजिए, बन हो गया। द उर्दू में कहते हैं दाल, और रे से र। बे का आधा भाग उठाना है ऐसे, फटाफट जोड़ दीजिए, नून आधा भाग जोड़ दिए, बे के ऊपर जबर और नून जुड़कर बन हो गया दाल, और रे बंदर। कितना आसान है। मंगल, मीम से माँ, ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दीजिए, मन हो गया, और गाफ से ग, और लाम से ल, जोड़ दीजिए मीम का आधा भाग, और इसी में नून का आधा भाग और गाफ का आधा भाग, बस ये सीधा वाला भाग है, ये कर्व हो जाएगा ऐसे, ठीक है। कर्व हो जाने के बाद लाम को पूरा का पूरा ले जाकर जोड़ दीजिए, तो मीम के ऊपर जबर और नून जुड़कर मन, और गाफ से ग, लाम से ल, तो मंगल, मंगल। आगे बढ़ते हैं, संजय, सीन से स, ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दीजिए, सन हो जाएगा, और ज, ज उर्दू में कहते हैं जीम, और य है, य उर्दू में कहते हैं बड़ी वाली ये, तो अब इन सबको जोड़ दीजिए। सीन का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, सीन के ऊपर तो जबर है, नून जोड़ दीजिए, सन हो गया, और जीम का आधा भाग इस तरह जिम चुका देना है इसी नून के आधे भाग में, और इसी जिम के आधे भाग में बड़ी वाली ये ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। तो देखिए, सीन के ऊपर दोबारा नून जोड़कर ये हो गया सन, जिम से ज, और ये से य, तो सन जय, सन जय, सन जय। कितना आसान है लिखना। आगे बढ़ते हैं, पतंग, प उर्दू में कहते हैं पे, त है त उर्दू में कहते हैं ते, तन बनाने के लिए ऊपर तो बड़ा कर नून जोड़ दिया, और ग है ग उर्दू में कहते हैं गा। अब देखिए, पे का आधा भाग उठा लिए, ते का आधा भाग चिपका दिए, और ते के ऊपर क्या है, जबर है, नून का आधा भाग इसी ते में चिपका दिए, तो ते के ऊपर जबर और नून जुड़कर तंग, और गाफ से ग, ये ले जाकर लास्ट वाला ग चिपका दिए, तो प तंग, पतंग। अगला है अंधकार। अब यहाँ से चार अक्षर वाला शब्द स्टार्ट हो रहा है। अंधकार में सबसे पहला अक्षर है अन, अ को उर्दू में कहते हैं अलिफ, ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दिए, अंध हो जाएगा। ध है, ध को उर्दू में द, दाल से द, और दाल में एच यानी कि हे जोड़ दिए, तो ये हो गया ध। और उसके बाद है का, क उर्दू में कहते हैं काफ, और का बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए, और रह है, रह उर्दू में कहते हैं रे, इन सबको जोड़ देना है। अलिफ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, नून का आधा भाग उठा कर इसमें चिमका दीजिए, तो अलिफ के ऊपर दबर और नून जुड़कर अन हो गया, और ध जिस तरह लिखा है ना उसी तरह यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, ध हो गया। और इसी ध, ये जो ध है ना, इसका हे का ये जो पूंछ निकला है, इसी में से क्या कीजिए, पूंछ आप बोल सकते हैं, ये जो पूंछ छोटा सा निकला रहता है इसी में जोड़ना रहता है, तो काफ का आधा भाग इसमें ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। ये जो काफ का सीधा वाला भाग है अब यहाँ पर कर्व हो गया, ठीक है, और इसी काफ में अलिफ ले जाकर जोड़ दीजिए, और रे ले जाकर चिपका दीजिए, तो अंधकार, अंधकार। आगे बढ़िए, अंतराल, अ के ऊपर यानी कि अलिफ के ऊपर जबर और नून जोड़ दिए, तो अन हो गया, और त है त उर्दू में कहते हैं ते, रा है रा उर्दू में कहते हैं रे, रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए, ल है ल उर्दू में कहते हैं लाम, जोड़ दीजिए सबको। अलिफ में आधा नून, ये जो नून है ले जाकर चिपका दीजिए, तो अलिफ के ऊपर जबर और नून जुड़ कर ये हो गया अन, ते का आधा भाग ले जाकर चिपका देना है, और रे इसी में, और अलिफ इसी में, और लाम इसी में चिपका दीजिए, तो ये हो गया अंतराल, अंतराल। अगला शब्द है इंतजाम। इंतजाम में सबसे पहला अक्षर है इन, और देखिए ये जो ई है ना, ये छोटा वाला ई है, तो इसको क्या कहेंगे उर्दू में, उर्दू में कैसे लिखते हैं, अलिफ के नीचे जेर लगा देते हैं सिर्फ, तो छोटा वाला ई पढ़ा जाता है, तो ये हो गया छोटा वाला ई। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन है, ऊपर बिंदु वाला न है, तो इसको क्या कहते हैं उर्दू में, नून कहते हैं, तो नून लिख दीजिए, तो ये इन हो जाएगा। त है, त उर्दू में कहते हैं ते, लेकिन हाँ ते उर्दू में ते कहते हैं। उसके बाद से जा है, जौ उर्दू में कहते हैं जो, क्योंकि नीचे बिंदु वाला जा है, और जा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए, और माँ है, माँ उर्दू में कहते हैं मीम। अब जोड़ दीजिए इन सबको, अलिफ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिखे रहने दीजिए, जेर तो है नीचे, बस नून का आधा भाग ले जाकर चिपका दीजिए, तो अलिफ के नीचे जेर और नून जुड़कर ये हो गया इन, और ते का आधा भाग इसी में चिपका देना है ऐसे, ते से त हो गया, और जो है ना जिस तरह लिखा है उसी तरह यहाँ पर लिखिए, जो जिस तरह है यहाँ पर बिंदु दे दीजिए जो, और जो में अलिफ ऐसे जोड़ दीजिए, तो जा हो जाएगा, और मीम से माँ, तो इन तो जाम, इंतजाम। आगे बढ़ते हैं, संगठन, ये हिंदी का शब्द है, तो इसको कैसे लिखेंगे, संगठन, सबसे पहला अक्षर है स, स उर्दू में कहते हैं सीन, ऊपर दबर लगाकर नून जोड़ दिए, तो सन हो गया, और ग है, ग उर्दू में कहते हैं गाफ, ठ है, ठ उर्दू में जिस तरह टे से, टी से ट, टी एट से था, उसी तरह उर्दू में टे से ट होता है, और टे के आधे भाग में हम लोग क्या करते हैं, एच यानी कि हे जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है ठ, और ना है, ना उर्दू में कहते हैं नून, जोड़िए सबको। सिन का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, सिन के ऊपर तो जबर है, नून का आधा भाग ले जाकर चिपका दीजिए, सिन के ऊपर जबर और नून जुड़कर ये हो गया सन, और गाफ का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, और गाफ के आधे भाग में ठ जो है ना पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे
इसी में ऐसे चिपका दीजिए, तो ठ और इसी में नून चिपका दीजिए ऐसे न, तो संगठन संगठन। अगला शब्द है शतरंज। शतरंज में सबसे पहला अक्षर है श, तलाबे श है ना, तो इसको उर्दू में कहेंगे बड़ी वाली शीन, तो ये हो गया शीन से श, त है तो उर्दू में कहेंगे तो, ते से भी हो सकता है लेकिन आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना अपवाद, उसी तरह उर्दू में भी होता है कभी कभी अपवाद हो जाता है, यहाँ पर ते यूज़ होना चाहिए लेकिन तो यूज़ होगा, तो से तो शत हो जाएगा। और र है रन, रंज, तो र को उर्दू में कहते हैं रे और ऊपर जबर लगाकर और नून जोड़ देंगे तो रन हो जाएगा, और ज है ज को उर्दू में कहते हैं जीम। अब इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, सबको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, शिन का दबाग उठाएंगे, शिन का दबाग उठा लिए और शिन के आधे भाग में तो ले जाकर जोड़ दिए ऐसे पूरा का पूरा, तो ये हो गया शत, और इसी में रे जो है ना इस तरह ले जाकर चिपका दीजिए ये वाला रे, और रे के ऊपर तो जबर है बस नून का आधा भाग ले जाकर चिपका दीजिए, और इसी नून के आधे भाग में ये जो जिम है ना पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए। थोड़ा इसको और मैं दूर लिखूंगी ना तो जिम अच्छा से बन पाएगा, देखिए नून को थोड़ा सा दूर लिख दे रही हूँ मैं, रे के ऊपर जबर नून जुड़कर रन, और ये जो जौ है जौ को ले जाकर ऐसे चिपका देना है, तो जौ, तो शतरंज, शतरंज, शतरंज। अगला शब्द है सरपंच। स है वो भी नहीं तो नॉर्मल वाला स, तो स को उर्दू में कहेंगे सीन, ये छोटी वाली सीन, र है र को उर्दू में कहते हैं रे, प है प को उर्दू में पे, और उसके बाद च, पंच, अच्छा पंच है, पे से तो प हो गया पंच, तो पन बनाने के लिए पे के ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दिए तो पन हो गया, और च है च को उर्दू में कहते हैं चे। अब जोड़िए सबको, सीन का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, सीन में क्या करना है रे जोड़ देना है तभी तो सर हो जाएगा, तो ये हो गया सर, और पे का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, पे के ऊपर तो जबर है बस नून ले जाकर चिपका दीजिए, नून का दबाग, तो पे के ऊपर जबर नून जोड़कर पन, और चौ जिस तरह है टोटल ले जाकर ऐसे जोड़ देना है पंच, तो सर पंच, सरपंच। ये भी कितना आसान था। आगे बढ़ते हैं मनोरंजन। इसमें पांच अक्षर है, तो सबसे पहला अक्षर है म, म को उर्दू में कहते हैं मीम, उसके बाद है नो, न को उर्दू में कहते हैं नून, और नो बनाने के लिए इस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ देंगे तो नो हो जाएगा, रन, र को उर्दू में कहते हैं रे और ऊपर दबड़ लगाकर नून जोड़ देंगे तो रन हो जाएगा, और जौ, जौ को उर्दू में कहते हैं जीभ, और फिर न है, न को उर्दू में कहते हैं नून। तो देखिए अब इन सब को जोड़िए, मीम का आधा भाग ऐसे उठाना है, उठा लिए, और मीम के आधे भाग में नून का आधा भाग ले जाकर ऐसे चिपका देना है, ये हो गया मीम और ये हो गया नून, नून के ऊपर क्या है पेश है बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए, तो नून के ऊपर पेश और वाव जुड़कर नो, तो मा नो, ये मा नो हो गया है, और रे जो है ना जिस तरह लिखा है लिख दीजिए, रे के ऊपर क्या है जबर है बस नून का आधा भाग लेकर उठाना है ऐसे उठाकर, और नून के इसी आधे भाग में जिम का आधा भाग ऐसे लेकर से ये जिम का आधा भाग चिपका देना है, तो देखिए मा नो रन और ये जिम का आधा भाग लेकर चले गए बस इसी में ले जाकर नून ऐसे चिपका दीजिए, तो जन, तो मा नो रन, रे के ऊपर जबर और नून जुड़कर रन, और जिम से जा नून से ना जन, तो मा नो रन जन, मनोरंजन। कितना आसान है, मनोरंजन भी लिख दिए। तो इतने सारे अंग मात्रा वाले शब्दों को हम लोग उर्दू में लिखना और पढ़ना सीख गए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अंग मात्रा वाले तो सीख गए, अब बचा हुआ है अह। तो अ जो है ना, यहाँ तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए पहले ही, फिर मैं मिटाऊंगी। अ मात्रा वाले सीखेंगे, देखिए अ मात्रा वाला ये जो अ है ना, इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग इसको ऑलरेडी सीख चुके हैं। कैसे, अब मैं थोड़ा आप लोगों को बता दे रही हूँ। ये इसमें ज़्यादा अंग सीखना ज़रूरी था क्योंकि ऊपर न वाला मात्रा आता है, बसंत, बंदर, मंगल, संजय, ये सब शब्द आता है, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को दो तीन चार अक्षर वाले शब्दों को बता दी, अंग मात्रा वाले शब्द। अ मात्रा वाला शब्द आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिटा कर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ठीक है, इतना दूर मिटा कर। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोग अफसाना लिखिए, कैसे लिखेंगे अफसाना, लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आप लोग कहेंगे एकदम सिंपल है, पहला अक्षर है अ, ठीक है। अफसाना अगर मैं आप लोगों को लिखने के लिए बोलूँ तो आप लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि एकदम आसान है लिखना, अ है पहला अक्षर तो अलिफ से अ, फ है फ को उर्दू में कहते हैं फे, सा है सा को उर्दू में कहते हैं सीन, सा बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे, और ना है ना को उर्दू में कहते हैं नून, और इसको ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। अब इन सबको जोड़कर आप लोग अफसाना लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, फे का आधा भाग उठाकर सीन का आधा भाग जोड़ देंगे, और सीन में अलिफ जोड़ देंगे, और नून में अलिफ जोड़ करना, अफसाना आप लोग इस तरह लिख देंगे। तो सुनिए, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि सच में आप लोग पढ़ चुके हैं। अफसाना मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इस तरह नहीं लिखा जाता है, अफसाना लिखना है तो लास्ट में ये नून में अलिफ जुड़कर ये जो ना बना रहे ना अफसाना, लेकिन उर्दू में ये अफसाना ना होकर अफसाना होता है, यानी कि ये वाला अ आ जाता है, अफसाना, यानी कि अफसाना अगर आप लोगों को लिखना है तो नून में अलिफ जुड़कर ना नहीं, नून में हे जोड़ देते हैं तो ना हो जाता है, तो अफसाना, यानी कि किसी भी अक्षर को अगर अ की मात्रा में, अ को उर्दू में कैसे लिखा जाता है, अंग को तो अलिफ के ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दिए तो ये अंग पढ़ा जाएगा,
अ उर्दू में कैसे लिखेंगे, तो ये भी सिंपल है। इसको कैसे लिखेंगे, अलिफ के ऊपर जबर लगाकर हे जोड़ दीजिए तो ये अह पढ़ा जाता है। अलिफ के ऊपर जबर लगाकर हे जोड़ दीजिए तो ये क्या पड़ जाएगा, अह, बस बात खत्म। अलिफ से अ होता है, अलिफ के ऊपर जबर लगाकर नून जोड़ दे रहे थे तो ये अंग पढ़ा जा रहा था। अलिफ से अ होता है, अलिफ के ऊपर जबर लगाकर हे जोड़ दिए, ये छोटी वाली हे, तो ये पढ़ा जाएगा अह। तो वही ये वाला जो काम है ना यहाँ पर हुआ है। अफसाना जो लिखा जा रहा था लास्ट में नून मैलिफ जोड़ कर ना, अब इसको अफसाना ना लिख कर हम लोग क्या लिखते हैं, अफसाना लिखते हैं। यानी कि नून के ऊपर जबर था, बस इसमें अलिफ ना जोड़ कर हे जोड़ देते हैं, अफसाना यानी कि अ वाला मात्रा आ जाता है। अगर लिखना है आवारा, आवारा लिखना है आप लोगों को आवारा, तो कैसे लिखेंगे, आवारा में अलिफ से अ होता है, इसके ऊपर मद लगा दिए तो आ हो गया, वा है, वाह है, वाह उर्दू में वाओ कहते हैं, वाह लगा अलिफ लगा दिए तो वाह हो जाएगा, र उर्दू में रे, और रे में अलिफ जोड़ दीजिए तो रा हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ देंगे तो आवारा आप लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो गया अलिफ के ऊपर मद, वाओ में अलिफ जोड़ दिए वाह, ठीक है, और रे में अलिफ जोड़ कर रहा, तो ये आप लोग ऐसे आवारा लिखेंगे। जबकि ऐसे आवारा नहीं लिखा जाता है, उर्दू में आवारा लिखा जाता है, यानी कि ये वाले अ का यूज़ होता है। आवारा इस तरह ना लिखकर हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं अलिफ के ऊपर मद जुड़कर आ वा, और रे में जो अलिफ जोड़ रहे थे ना, रे में अलिफ जुड़कर रा बना रहे थे, ये रा नहीं रह होगा, रे के ऊपर जो जबर था बस यहाँ पर हे जोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या कर रहे थे, अ की मात्रा में बदलने के लिए ऊपर जबर लगाकर हे जोड़ दिया जाता है, उसी तरह यहाँ पर आवारा बनाने के लिए रे के ऊपर जबर लगाकर हे जोड़ देते हैं, तो आवारा। तो इनडायरेक्टली तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ये ऑलरेडी मैं आप लोग को बता ही चुकी हूँ, जब आ मात्रा वाला शब्द मैं आप लोग को पढ़ा रही थी उस वक्त बताई थी। तो इसमें आप लोग को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह का शब्द आप लोग को ज़्यादा मिलता भी नहीं है उर्दू में पढ़ने के लिए, ठीक है। अफसाना, आवारा, इस तरह का कुछ शब्द मिलेगा जो कि लास्ट में आ ना रहकर अह रहता है, ये वाला अ, तो आवारा, अफसाना, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा होगा। तो अंग और आ मात्रा वाला आप लोग सीख गए कैसे उर्दू में लिखा जाता है शब्दों को, और कहीं पर भी अब अंग और अ मात्रा वाला शब्द मिल जाए तो आप लोग आसानी से आई होप पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, पार्ट 31 कंप्लीट हो गया। अब देखिए पार्ट 32 जो आएगा उसमें मैं लाइव आऊँगी, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। पहले से ही कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया जाएगा, मतलब जिस दिन लाइव होगा ना उसके 2 दिन नहीं तो 3 दिन पहले ही कम्युनिटी में पोस्ट किया जा सकता है, नहीं तो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करके आप लोग को बता दूंगी कि कब लाइव होगा। एकदम मैराथन क्लास चलेगा पार्ट 32 में। आप लोग जो कुछ भी, जो शब्द पूछना चाहते हैं, जो शब्द मुझसे लिखवाना चाहते हैं, वो शब्द नाम भी हो सकता है, वो नाम मुझसे लिखवा सकते हैं, और मैं लाइव लिखकर आप लोगों को बताऊंगी उर्दू में। तो लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, सभी को शेयर कर दीजिए, सभी को बता दीजिए कि जब भी लाइव हो आप लोगों को जुड़ जाना है। टाइम हो सकता है 5 बजे रहे, लेकिन डेट मैं आप लोगों को बता दूंगी कितना तारीख को होगा, और उस दिन सबको जोड़िएगा, अपने फूफा फूफी, मौसा मौसी, खाला खालू, चाचा चाची, सबको जोड़ देना है, जितना ज़्यादा हो सके सभी लोगों को जुड़िएगा। पार्ट 32 का जो लाइव होगा ना एकदम धमाकेदार और ज़बरदस्त होगा, तो ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके ताकि सभी लोगों को पता चल जाए, लाइव बहुत जल्द होगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे चारों तरफ, चैनल पर नए आए हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।